हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। हमारी संस्कृति में व्रत और त्योहारों की लंबी परंपरा है। हर महीने किसी न किसी त्योहार की धूम रहती है। साल 2021 का सबसे पहला महत्वपूर्ण त्योहार मकर संक्रांति है। देश के सभी हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाने वाला ये त्योहार सनातन धर्म में अपना विशेष स्थान तो रखता ही है, खगोलीय परिवर्तन के हिसाब से भी विशेष है। संक्रांति यानी संक्रमण यानी प्रवेश करना। दरअसल सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करना और भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कर्मों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को दिन में 2:37 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 14 जनवरी को ही इस साल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल संक्रमण के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए 14 जनवरी के दिन सुबह से ही पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति हमारे लोक जीवन से भी जुड़ी है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस दिन से ठंड का प्रकोप कम होने लगता है और लोग नई स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए ही ये त्योहार जितना उत्तर भारत में लोकप्रिय है उतना ही दक्षिण भारत में भी। हाँ, नाम अलग अलग जरूर हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी की धूम रहती है, वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन में दही चूड़ा दान किया जाता है और खाया जाता है, तो रात को उड़द दाल की खिचड़ी के साथ आलू बैंगन का भुरता खाया जाता है। इस मौके पर कई राज्यों में पतंगबाजी की भी धूम रहती है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए
हमारा यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर।